दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसे बेस्ट और जेन्युइन पार्ट टाइम जॉब बताऊंगा जिससे आप महीने का 15 से 20 हज़ार रुपए आराम से कमा सकते हो। इस काम को कोई भी कर सकता है और इसके लिए आपका स्मार्टफोन ही काफी है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट का है। मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कोई आप ऐसा पार्ट टाइम जॉब बताइए जिसमें 15 हज़ार रुपए तक कमाया जा सकता हो और उस काम को सिर्फ मोबाइल से किया जा सकता हो। मैंने काफी रिसर्च किया और फाइनली आप लोग के लिए दो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया। पूरे इंडिया में स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए 15 हज़ार रुपये तक कमाने का शायद ही इससे अच्छा कोई जॉब हो सकता है। इनका पेमेंट सिस्टम काफ़ी सिक्योर है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो या बेरोजगार हो और आपके पास डेली 2 से 3 घंटे के फ्री टाइम है तो ये पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हो। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ लाइव ट्यूटोरियल के साथ। साथ में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी इनकम 6 फिगर हो सकती है इसी पार्ट टाइम जॉब से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों वो दो बेस्ट वर्क फ्रॉम होम कौन से हैं, कैसे आपको करना है और वो ट्रिक्स कौन सा है जिससे आप बहुत कम समय में ही काफी अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों नंबर 1 पे जो पार्ट टाइम वर्क है वो है एफिलिएट मार्केटिंग विद ईके। आज आपको पता चलेगा इफेक्टिव एफिलिएट मार्केटिंग करते कैसे हैं, बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, किस पे आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा और वो भी इंडिया के बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम के साथ, और कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से 1 लाख रुपए महीने का कमाया जा सकता है। सबसे पहले आइए जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है आप किसी का प्रोडक्ट बिकवाओगे और वो आपको एक कट देगा, कट यानी कमीशन। जैसे आपने देखा होगा कई यूट्यूबर्स टॉप 5 टॉप 10 फोन्स लैपटॉप कैमरे जैसे कई प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक डाल देते हैं। लोग उनके लिंक से परचेज करते हैं और यूट्यूबर्स को टोटल सेल का 2 से 10% तक कमीशन मिलता है। उस प्रोडक्ट्स को सैकड़ों लोग परचेज कर लेते हैं क्योंकि व्यूज लाखों में आती है और इस तरह काफी अच्छा पैसा मिल जाता है कमीशन के रूप में। तो यूट्यूबर्स का जो सेकंड मेन अर्निंग सोर्स होता है वो एफिलिएट मार्केटिंग ही होता है। यही है एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप नहीं होते तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकता। इसीलिए आज दुनिया की बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसे कई कंपनीज के एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी इनमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकता है और इनके एफिलिएट पार्टनर बन सकता है। और जब आप किसी कंपनी के एफिलिएट पार्टनर बनते हो तो आपको एक डैशबोर्ड मिलता है। उस डैशबोर्ड में आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो और उसे अपने ब्लॉग, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर शेयर करके कमीशन कमा सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर अटकती है कि लिंक तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, लिंक को शेयर कहाँ करें, हर कोई यूट्यूबर थोड़ी है। और अगर आप इन एफिलिएट्स लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेंजर पर शेयर करते हो तो ये लिंक वर्क ही नहीं करती हैं और ऐसे में अमेजन आपके एफिलिएट अकाउंट को ही ब्लॉक कर देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती है कि इतनी सारी कंपनीज हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, तो सबके अलग अलग वेबसाइट पे जाना होता है, हर जगह अपना एफिलिएट अकाउंट बनाना होता है, सेटअप करना होता है, ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुई है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। एक ऐसा मोबाइल ऐप है जहाँ पर ये सभी कंपनी चाहे अमेजन, फ्लिपकार्ट, माइंत्रा जैसे हज़ारों रिटेलर्स के एफिलिएट सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, एक ही मोबाइल ऐप पे। बस आपको रजिस्टर करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक क्रिएट करो और उसको कहीं भी शेयर करो, कहीं भी, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर करो, मैसेंजर पे, यूट्यूब पे, कहीं भी शेयर करो। ये लिंक हर जगह काम करेगी और हर जगह आपको कमीशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन सा ऐप है, कैसे आपको रजिस्टर करना है और कैसे आपकी अर्निंग होगी। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से अर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देनी है, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स डिटेल भरनी है जैसे नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फ़ोन नंबर और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देनी है। ये है आपका डैशबोर्ड, जितना भी आपने कमीशन कमाया है वो आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट्स में देख सकते हैं। नीचे कैटेगरी दी गई है जैसे सुपर सेलर्स, अमेजन सुपर सेलर्स, फ्लिपकार्ट सुपर सेलर्स, आजियो, माइंत्रा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग में वो अच्छे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में होता है, तो ये प्रॉब्लम भी अर्न करो सॉल्व कर देता है। आप देख सकते हैं सुपर सेलर्स में अमेजन सुपर सेलर है, फ्लिपकार्ट है, तो इन प्लेटफॉर्म पे जो सबसे इस समय अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसको लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और ख़रीदने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सभी का कलेक्शन टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है।
जैसे अगर आप Amazon सुपर सेलर्स पे क्लिक करेंगे तो Amazon के वो सभी बेस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी देंगे और इन्हें बिकने के चांसेस भी हैं। वैसे ही Flipkart सुपर सेलर्स पे क्लिक करेंगे तो Flipkart के सभी बेस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे। सभी कैटेगरी दी गई है, जैसे मैन फैशन, वुमेन फैशन, बेबी प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक का भी है, तो इस तरह आप बहुत आसानी से अच्छे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट रेट्स पे क्लिक करके आप सभी वेबसाइट्स के प्रॉफिट चेक कर सकती हो कि कितना आपको कमीशन किस वेबसाइट पे मिलने वाला है। जैसे Flipkart पे आज के समय में 7.2% चल रहा है, Amazon.in पे 7.35 चल रहा है, तो इस तरह आप सबके चेक कर सकते हो। ये घटता बढ़ता रहता है। कुछ वेबसाइट्स पे ये प्रॉफिट 15% तक दिया जा रहा है, जैसे Ajio। तो इस तरह आप सभी वेबसाइट्स के प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री पर क्लिक करके आप अपना पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। ये एक तरह का डैशबोर्ड है जिसमें आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, कई सारे टैब दिए हैं। माई अर्निंग पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ से आप अपनी अर्निंग देख सकते हो और यहाँ से आप अपना रेफरल देख सकते हो। यहीं से आप रिक्वेस्ट प्रॉफिट पेमेंट पे क्लिक करके अपने कमाए हुए कमीशन को डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से पेमेंट लेने के लिए आपको बैंक डिटेल ऐड करना होगा, जिसके लिए अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, पर्सनल डिटेल, चेंज पासवर्ड और लास्ट में है पेमेंट सेटिंग। तो हम लोग पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पर अपना नेम डाल दीजिए, सेम वैसा ही जैसे आपके अकाउंट में लिखा गया है। बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। अकाउंट डिटेल अपडेट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है और उसको एक लैपटॉप की ज़रूरत है, उसका बजट है 30,000 और वो जनरली Amazon से शॉपिंग करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे Amazon सुपर सेलर में जाऊँगा और उसके लिए एक अच्छा सा लैपटॉप फाइंड करूँगा। स्क्रॉल करके एक अच्छा सा लैपटॉप देखूँगा। जैसे आप देख सकते हैं ये Lenovo का लैपटॉप है, 31,680 रुपये इसकी प्राइस है और इस पर जो मेरा प्रॉफिट होने वाला है वो इतना होने वाला है, 1,331 रुपये। तो इस पर क्लिक करके इसका पूरा डिटेल चेक करूँगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी लैपटॉप सजेस्ट हो रहे हैं। जैसे ये डेल का लैपटॉप है और इस पर मुझे जो प्रॉफिट होने वाला है वो 1,486 रुपीज़ होने वाला है। तो अगर मैं इस लैपटॉप को अपने फ्रेंड को शेयर करना चाहता हूँ तो इसके लिए यहाँ पे शेयर नाउ का एक बटन है और शेयर का आइकन है। शेयर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। Amazon को छोड़कर जितने भी वेबसाइट हैं उन पर ये टर्म्स कंडीशन नहीं आता है। डायरेक्ट शेयर नाउ पे क्लिक करने के बाद WhatsApp ओपन हो जाता है और वहाँ पर आप एक क्लिक में शेयर कर सकते हो। Amazon की पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, ये सेटअप स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार ही करना है। इसके बाद आप Amazon के प्रोडक्ट्स को भी सिर्फ एक क्लिक पे डायरेक्ट WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ लेना है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना कोई भी एक सोशल मीडिया अकाउंट का प्रोफाइल डाल देना है, जैसे मैं Instagram का डाल देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब लास्ट जाइए, यहाँ पर आपको अपना मेन ट्रैफिक सोर्स डाल देना है। तो इसके लिए आप अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लीजिए और उसका लिंक डाल दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम का चैनल बना लीजिए, बहुत जल्दी बना सकते हैं टेलीग्राम का चैनल, उसका लिंक डाल दीजिए, या सबसे आसान फिर से Instagram का अपना प्रोफाइल डाल दीजिए। बस काम हो गया। सेव पर क्लिक करके बैक हो जाइए और दोबारा शेयर नाउ पे क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये WhatsApp ओपन हो रहा है और मैं अपने फ्रेंड को शेयर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये शेयर हो चुका है। जिसके साथ आपने ये प्रोडक्ट शेयर किया है उस प्रोडक्ट का इमेज, डिटेल और प्राइस उसको मिल जाएगी और वो इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके Amazon या जिस वेबसाइट का प्रोडक्ट है वहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे कि ये Amazon का प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट Amazon पे ले आया है। आपका फ्रेंड यहाँ से लैपटॉप खरीदता है तो आपको 1486 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का लिंक अपने फ्रेंड के साथ किसी भी सोशल मीडिया पर, अपने ब्लॉग पर, डायरेक्ट मैसेज या अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। उस लिंक के थ्रू जो भी सेल होगी उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। यहाँ पर आप किसी प्रोडक्ट का नाम डालकर भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रोडक्ट दूसरे वेबसाइट पर मिलता है तो उस प्रोडक्ट का यहाँ से प्रॉफिट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं Amazon एप्लीकेशन में आया हूँ और कोई प्रोडक्ट मुझे पसंद आ गया और उस प्रोडक्ट को शेयर करना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक शेयर का बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगा। अब ये लिंक केवल Amazon का लिंक है। अब मैं इस लिंक को अर्न करो के प्रॉफिट एफिलिएट लिंक में कन्वर्ट कर दूँगा। तो इसके लिए अर्न करो ऐप में एक अलग से बटन दिया गया है मेक लिंक का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है और मेक प्रॉफिट लिंक पर क्लिक कर देना है।
आपका प्रॉफिट लिंक जनरेट हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आप किसी प्रोडक्ट को बाइक कैटेगरी चूज कर सकते हैं, नेम से सर्च कर लें या मेक लिंक से प्रॉफिट लिंक क्रिएट करके शेयर कर सकते हैं। आपके लिंक से जो भी सेल होगी उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप यहाँ से हिस्ट्री में देख सकते हैं। जैसे आपका प्रॉफिट यहाँ पर ऐड होगा उसका रिक्वेस्ट प्रॉफिट पेमेंट पे क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 10 रुपीज होने चाहिए विड्रॉ करने के लिए। आपका प्रॉफिट आपके बैंक में 60 दिनों के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। आप जो भी प्रोडक्ट सेल किया है उसका जितना कम रिटर्न पॉलिसी रहेगा उतना जल्दी आपका अमाउंट क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में। जैसे अगर कोई अमेजन पे प्रोडक्ट आपने बिकवाया है और उसका जो रिटर्न पॉलिसी 30 डेज है तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 30 डेज तक प्रोसेस में रहेगा और जैसे ये रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा फिर ये प्रॉफिट आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इन लिंक्स को कहाँ शेयर करें जिससे आपकी सेल ज़्यादा हो पाए और आप अच्छे पैसे कमा पाएँ। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है ये लिंक हर जगह काम करेगा और दोस्तों एक सेल से आप 1500 रुपये की प्रॉफिट तक कमा सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यहाँ पर आप अपने जानने वाले या फिर फ्रेंड्स को शेयर करके आप पैसे तो कमा ही सकते हो। साथ में कुछ ट्रिक्स हैं उनकी हेल्प से आप महीने का सेल 50, 100 से भी ज़्यादा कर सकते हो। अपने सेल को इंक्रीज करने का जो पहला ट्रिक है वो है क्वोरा रिव्यू, QURA। क्वोरा क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है, 5 करोड़ से अधिक लोग इसको यूज़ करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी नॉलेज मिलती है इससे। तो इस वेबसाइट पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उसका आंसर कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखा जाता है नॉर्मली कोई भी आंसर अगर आप लिखते हो तो 200-300 व्यूज नॉर्मली आ ही जाते हैं और किसी किसी आंसर पे मिलियंस में व्यूज आ जाती है। इंडिया में भी करोड़ों लोग क्वोरा को यूज़ करते हैं, इसीलिए हिंदी क्वोरा भी बनाई गई है। वहाँ पे एक टैब रहता है हिंदी का, हिंदी में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, रिव्यू वाले क्वेश्चन रहते हैं, हर तरह के क्वेश्चन रहते हैं और लोग आंसर दे रहे होते हैं, उन क्वेश्चन पे काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं। तो आप हिंदी में भी रिव्यू लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिस पे आपको 1500 का प्रॉफिट मिले हर एक सेल पे। तो मान लीजिए आपने डेल का 30,000 रुपये का एक लैपटॉप ले लिया, फिर क्वोरा में जाइए, अपने प्रोडक्ट से मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन सर्च करिए जिसमें आपका प्रोडक्ट कवर हो रहा हो। जैसे आपके पास 30,000 वाला डेल का लैपटॉप है तो आप सर्च कर सकते हैं बेस्ट डेल लैपटॉप अंडर 30,000 और खुद ही उन क्वेश्चन पे आंसर लिख दीजिए कि ये 30,000 वाला लैपटॉप है, ये स्पेसिफिकेशन है और ये ऑफर पे मिल रहा है और अपना प्रॉफिट लिंक डाल दीजिए। तो दोस्तों इस तरह आप डेली बेसिस जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो अच्छे प्रोडक्ट लीजिए और क्वेश्चन लिखिए और उनके रिव्यूज डालते रहिए। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो 2 अकाउंट बनाइए क्वोरा पे, एक अकाउंट से खुद क्वेश्चन पूछिए और दूसरे अकाउंट से उसका रिव्यू डाल दीजिए। आपके आंसर रिव्यूज पे व्यूज बढ़ेंगे और लोग आपके रिव्यूज को पढ़ेंगे और लिंक से उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे और उनमें से बहुत लोग खरीद लेंगे और इस तरह जितनी ज़्यादा व्यूज आएगी उतनी आपकी सेल बढ़ेगी। इस ट्रिक को ब्लॉगर, यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर, जो टॉप लेवल के एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये तो था एक ट्रिक अपने एफिलिएट सेल को बढ़ाने के लिए। ऐसे कई ट्रिक्स हैं जिसे मैं शेयर कर सकता हूँ आने वाले वीडियोस में अगर आप लोग चाहो तो। दोस्तों अभी दिवाली सेल सीजन का लास्ट ऑफर चल रहा है, इस बीच मैक्सिमम लोग प्लान किए रहते हैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदने का। तो अगर आप इस बीच मेहनत करते हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बाकी आगे मैंने जो ट्रिक बताया उसे तो आप कमाते ही रहोगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अभी अर्न करो ऐप डाउनलोड करो और दोस्तों काम करना स्टार्ट कर दो, अपने फ्री टाइम को पार्ट टाइम अर्निंग में यूटिलाइज कर सकते हो। ये तो था पहला पार्ट टाइम वर्क। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट टाइम वर्क की जिसे आप अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। तो जो दूसरा पार्ट टाइम वर्क है वो है आर्टिकल राइटिंग। किसी भी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक जानकारी लिखना आर्टिकल राइटिंग कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी फील्ड में अच्छा नॉलेज होता ही है जिसके बारे में वो आर्टिकल लिखकर पैसे कमा सकता है। आजकल कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आर्टिकल लिखकर पैसे कमा सकते हैं। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको लैंग्वेज आती है, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, उस सब में आप लिख सकते हो और आपके आर्टिकल को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके बदले आपको पैसा दिया जाएगा। वैसे तो आर्टिकल राइटिंग से पैसे कमाने के कई तरीके हैं, बट आज मैं आपको उनमें से 2 बेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जो पॉपुलर तरीके हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जो आसान और बेस्ट तरीके हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाले उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों जो पहला पॉपुलर तरीका है वो है अपना ब्लॉग लिखकर। आप अपना ब्लॉग बनाइए, खुद आर्टिकल लिखिए और मोनेटाइज करके पैसे कमाइए।
अगर आप इसको अच्छे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा स्टार्टिंग में। दूसरा तरीका है दूसरों के लिए आर्टिकल लिखकर। कई ऐसे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, कई वेबसाइट हैं जो समय समय पर कॉन्टेंट राइटर्स को हायर करते रहते हैं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके उनके लिए हिंदी इंग्लिश में आर्टिकल लिखकर उससे भी आप सैलरी के रूप में पैसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ब्लॉगर के लिए आपको आर्टिकल लिखना है, तो अगर आप ये काम चाहते हो तो सर्च करो कोई बड़े बड़े ब्लॉग और उनके कॉन्टैक्ट अस में जाओ और वहाँ से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो जो ब्लॉगर है उनसे। आप मैसेज करो, ईमेल करो कि आप उनके लिए आर्टिकल लिख सकते हो, जिस तरह का वो आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं उससे भी अच्छा आप लिख सकते हो, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको किसी सैलरी पर हायर कर लेंगे। और तीसरा तरीका है फ्रीलांसिंग का। अगर आप बहुत अच्छे से आर्टिकल लिख लेते हो तभी आप इसको ट्राई करो। आप अपवर्क, फाइवर, freelancer.com ऐसे कई फ्रीलांसिंग साइट हैं, वहाँ से आप एज अ कॉन्टेंट राइटर रजिस्टर कर सकते हो और जितने भी काम डेली बेसिस पे चल रहे होते हैं उन पे भीड़ लगा के वो काम ले सकते हो और करके आप पैसे कमा सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे सिंपल है, सबसे आसान है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं आर्टिकल राइटिंग से पैसे कमाने का आसान, फ्री ऑफ कॉस्ट और नए लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो है न्यूज़ हंट का क्रिएटर बनकर। न्यूज़ हंट एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप लोगों में से बहुत लोग यूज़ करते होंगे। इस पे दुनिया भर के कई न्यूज़ चैनल्स हैं और इंडिया के सभी न्यूज़पेपर मिल जाएंगे और हर कैटेगरी के न्यूज़ आते रहते हैं यहाँ पे। तो इंडिया में कई सारे क्रिएटर हैं जो इन न्यूज़ को डालते रहते हैं और कई न्यूज़ चैनल वाले भी हैं, तो ये सब मिलके काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और करोड़ों लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी क्रिएटर बन सकता है और कोई भी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिख सकता है, कोई भी न्यूज़ आर्टिकल लिख सकता है। न्यूज़ हंट क्रिएटर सर्च करके आप यहां से रजिस्टर हो जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यूट्यूब पे कई ट्यूटोरियल हैं, वहां से देखकर आप रजिस्टर कर सकते हो एज अ न्यूज़ हंट क्रिएटर। अब मैं आपको बताता हूं पैसे कैसे मिलते हैं। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो तो न्यूज़ हंट की टीम उसे देखती है और अप्रूव कर देती है। मैक्सिमम टाइम ये अप्रूव हो ही जाता है, उसके बाद ये लाइव हो जाता है न्यूज़ हंट ऐप पे। तो जितने व्यूज़ आते हैं उन व्यूज़ पे जो भी एड्स आते हैं, तो जो एड्स से जो पैसे जनरेट होते हैं उसका कुछ भाग न्यूज़ हंट ले लेता है और कुछ भाग आपको दे देता है। तो ये देखा जाता है कि हर 10,000 व्यूज़ पे आपको 500 रुपये मिल जाते हैं। तो अगर आप डेली एक दो आर्टिकल डालते हो और दोनों आर्टिकल को मिला के 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो दोस्तों आप डेली के 500 कमाओगे। अगर उन्हीं दो आर्टिकल पे 100,000 व्यूज़ आ गए तो आप उसी दिन 5,000 भी कमा लोगे। तो ये व्यूज़ पे निर्भर है, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने आपके कमाई होगी। तो दोस्तों सीखने के लिए कॉन्टेंट राइटिंग और कुछ पार्ट टाइम अर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये तो थे वो दो पार्ट टाइम जॉब जिन्हें आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कर सकते हो और अपने फ्री टाइम को यूज़ करके 15,000 से 20,000 रुपये कमा सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।